विज्जल देव शिवगामी की संतान, जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है। मूवी बाहुबली से राजामौली को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पहचान मिली। मूवी के दोनों पार्ट ने ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया। बाहुबली के दूसरे भाग ने तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड की छड़ी लगा दी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों ही फिल्मों से पहले भी राजामौली ने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। आसान भाषा में कहें तो राजामौली ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी एक भी मूवी आज तक फ्लॉप साबित नहीं हुई है। अपने करियर की शुरुआत इस मूवी में जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे। साल 2001 में रिलीज हुई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। दो साल बाद उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ मिलकर सिम्हाद्री बनाई जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद वो साई के साथ दोबारा लौटे और अपनी हिट फिल्मों का सिलसिला जारी रखा। साई के बाद छत्रपति, यामा डोंगा, मगधीरा और मर्यादा रमन्ना जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर राजामौली तेलुगु सिनेमा में छा गए। उनकी हिट फिल्मों की भूख यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने ईगा मूवी बनाई जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस मूवी को साउथ के साथ हिंदी पट्टी में भी काफी पसंद किया गया था। हिंदी में इसे मक्खी के नाम से जाना जाता है। ईगा के बाद राजामौली बाहुबली और बाहुबली 2 और RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं। उनका अगला प्रोजेक्ट महेश बाबू के साथ है। ये मूवी 2023 में रिलीज होगी। RRR की मैसिव सक्सेस के बाद लोग बाहुबली 3 का इंतजार कर रहे हैं। बाहुबली के प्रोड्यूसर प्रसाद देवी नैनी से मूवी के तीसरे पार्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बाहुबली वर्ल्ड में और स्टोरीज बताने का स्कोप तो है मगर तुरंत से इस पर कोई प्लानिंग नहीं की गई है। हम बाहुबली का तीसरा पार्ट तभी बनाएंगे जब सारी चीजें सही होंगी और इसके आइडिया को लेकर हर चीज तय कर ली जाएगी। प्रभास ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने और राजामौली के रिश्ते के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था वे और राजामौली अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ में अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। बाहुबली 3 के बनने पर प्रभास बोलते हैं, हम अक्सर आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ तो जरूर होगा, किसे पता आने वाले दिनों में ही कुछ भी हो सकता है। प्रभास का इतना ही कहना था और उनके फैंस अभी से एक्साइटेड हो गए। खैर अब आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं बाहुबली 3 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।